बोलो क्या काम है, रजिस्टर करना है वर्क को। इसमें क्या क्या लाना है मैं बोलती हूँ। क्या बोलो है? वो आधार कार्ड लाना है। खर्चा कितना होगा? खर्चा तो ज्यादा होना। वो तो ठीक है, आपकी फीस कितनी होगी? दस्तावेज होगा कि नहीं होगा, और जब होगा तो कैसा होगा? सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर डालो, मनोरंजन एंजॉय करते रहो और मचाते रहो। तो जी 9:15 बज चुके हैं, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द न्यू व्लॉग। गर्मी का प्रमाण चाका जाम, और कल के वीडियो के कमेंट भी चाका जाम। गाइज, सारिका का कवर सबको बहुत अच्छा लगा, उसका हमें बहुत दुख है, बट मेरे चाहक लोग को मेरा कवर अच्छा लगा, उसका मुझे बहुत सुख है। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। गुड मॉर्निंग के जी। अब गुड मॉर्निंग, क्या है गर्मा गर्म? चुटनी के अलावा कुछ बताओ। इजराइल, वो ईरान में वो युद्ध हो रहा है ना, उसकी वजह से थोड़ी मंदी आने वाली है, ऐसा लग रहा है मंदी आने वाली है। गाइस तो संभाल जाने का भाई, पैसा बचा के रखने का, शॉपिंग बहुत ज्यादा मत करो, मंदी आने वाली है। मेरा कवर कितने लोगों को पसंद आया? हाँ बहुत लोगों को पसंद आया। अगर मैं प्राइस बताती ना तो गिने चुने दो तीन ही है ना, वो भी मेरे साइड ही आ जाते। वो प्राइस तो हमने बताया। और मम्मी को तो गर्मी तो खत्म ही नहीं हो रही है, मम्मी है मम्मी। और मेहंदी का कलर बहुत बढ़िया आया है, जैसे सरस है। पापा का प्यार ही इतना है। पापा का प्यार बहुत है ना मम्मी तेरे पे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कल ब्लू राइस बहुत बढ़िया लगा सबको। तो आज आना ओला कर दे, आज आना ओला शू कर दे, फूल तो एटला नहीं उगड़े, तो फूल ज्यादा है। तो अभी आज भी आज बिरयानी बनाओ, बिरयानी बिरयानी जे खाओ बनाओ, भाई बाबा बनाओ। हाँ और ये पापा लेके आए हैं सवेरे सवेरे, इसको क्या बोलते हैं? हाँ हाँ बेटा, हो तेरे साथ बात करूँ। हाँ बताओ। अंजीर? अरे जाम्बू के मम्मी, इसको जाम्बू बोलते हैं यार, तो क्या है यार। हाँ वो वैसे अच्छा पर नाम नहीं था मन खबर। इसको जाम्बू बोलते हैं, ये खट्टा मीठा होता है, और इसमें ईयड़ बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा। ये देख इसमें पैसा होता है, वीर वीर नहीं होता। पर ये बहुत अच्छा फ्रूट होता है, मैंने ये बचपन में बहुत खाया है, हॉस्टल में हमको बहुत मिलता था ये, क्योंकि वहाँ पे पेड़ बहुत थे। हॉस्टल में नाम नहीं बताते थे, नाम तो ठीक है पर ये खाने मजा आता है इसका, ऐसा पता है। नाम भूल गए, नाम भूल गए, खाने का मजा लेने का। कनिष्क जी को ये जाम्बू बहुत पसंद आ गया है, लपेटने लग गए हैं। जामुन जामुन तो पता नहीं है क्या है इसका नाम। एनीवे अभी क्या है कि ये इधर बैठा है ना तो हिलेगा नहीं, मैं हिलूंगा तो वो फिर बोबड़ जाएगा, तो आप पापा का सुविचार ले लो। तो आज हार्दिक लेंगे सुविचार, केजीएफ जी ले लो सुविचार। ओके ओके, तो पापा बैठ चुके हैं तैयार करके सुविचार। गुड मॉर्निंग पापा। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज का सुविचार बता दीजिए। आज का सुविचार है अच्छा इंसान और अच्छा वक्त, जाने के बाद याद तो बहुत आता है मगर वह कभी वापिस नहीं आता। वाह बढ़िया बढ़िया। ओके थैंक यू, ओके वेलकम। तो जी 5:20 हो चुकी है, और हमारे घर पे 1, 2, 3 उधर के 2 है, वो भी चालू हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा गर्मी हो गई। तो गाइज बहुत हैवी मात्रा में गर्मी चढ़ चुकी है माथे पे, मुझे एक्चुअली में लिटरली फट गया है, मेरा सर दर्द हो रहा है। दोपहर को दवा पी के सोया था, नींद नहीं आई है। तो अभी इसका सॉल्यूशन हम सारिका से मांगेंगे। सारिका जी काम कीजिएगा। कौन सा काम करूँ? जो भी मन में आए। पर सर दुख रहा है यार। वैसे ही बोल रहे हो आप, काम करने लगोगे तो सर है ना वो काम में व्यस्त हो जाएगा, तो वो दुखना बंद हो जाएगा। ओके आपको नहीं हो रहा है सर? नहीं। क्यों? नवरा ही नहीं है मेरा सर दुखने के लिए। थैंक यू हंसाने के लिए, वेरी गुड जोक। तो कर लो तो काम में व्यस्त हो जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग प्लीज, के लाइक क्या करें कि गर्मी कम हो। कुछ कल एक कमेंट आया था, गर्मी गर्मी कर रहे हो इसीलिए लग रही है। कल एक कमेंट आया था, हम लोग अहमदाबाद में रहते हैं, हमारे घर में एसी भी नहीं है, फिर भी हमको गर्मी नहीं हो रही है। आपको पता नहीं इतनी गर्मी कैसे हो रही है। कितने मेंटली स्ट्रांग होंगे मेंटली। हाँ तो आप वैसे जो गर्मी है, गर्मी तो होगी, जैसे हम सोचेंगे वैसा ही होगा। बहुत गर्मी है यार, बहुत ज्यादा, बहुत हैवी यार, रोद रहा है यार। बहुत गर्मी, मम्मी को भी लग गई है लू। मम्मी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो अभी क्या करे गर्मी का? काई वांदो ने पंखा बैठा रही, आ सोफा से ने वो बहुत गर्म, बहुत गर्म होय। हां सोफा पर हो ना तो नीचे तो गर्मी आवे। जब मैंने हम नीचे बैठा, मेरे को लगता है वो मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू और अच्छी अच्छी कंपनियां जो सीट के अंदर वो क्या बोलते हैं वेंटिलेटर डाल के देते हैं ना, ऐसा सोफा में वेंटिलेटर डलवाना पड़ेगा। क्या बोलती तू? हां ये वो निकला तो कई खार था ले ना, बैठा बैठा हम ठंडो कर लेगा करे। तो सोफे की कोई हालत नहीं है ना। हां तो ये करना चाहिए। तो क्या है, सबसे ज्यादा पसीना तो हमारे केजीएफ को होता है, बैठे बैठे उधर सीट नीचे पीछे तक जाता है, उसका क्या करे। तो काम करते है तो जाता है, मैं गया था बहुमाली पे। हाँ तो गर्मी बहुत ज्यादा थी। ये नहीं तेरे को नहीं होता है गर्मी? कहाँ गर्मी होता है, वहाँ गर्मी होता है। एसी डालने का है?
सोने का है, ओ सो जाओ, ऐसा करो, बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, सो आराम करो, बहुत गर्मी हो रही है। गर्मी ही कहाँ पे है? गर्मी ही कहाँ पे है? आपको ठंडी लग रही है? मेरे को तो ठंड लग, पूरा पैक होके बैठे हो, वाह क्या बात है। मेरे को गर्मी नहीं लग रही है। नहीं लगती है ना, तो आपको क्या लगता है? मेरे को समघात आबोहवा लगता है। समघात आबोहवा लगता है, उसका मतलब क्या होता है? एक रस, एक रस, सरस, स्टेडी है, स्टेडी स्टेडी है, बहुत बढ़िया, बढ़िया है, बढ़िया है। जो गर्मी पड़े तो ही बारिश गिरे, ज्यादा गर्मी बढ़े तो बारिश गिरे। हाँ, बारिश तो दुबई में गिरा भाई। अभी वो एक आप बोल रहे थे फार्म देखने जाना है, वो कहाँ पे है, कितना दूर है यहाँ से? नजदीक है, 22 किलोमीटर नजदीक में है। तो गाइस पापा ने ना हमारे लिए एक नया फार्म ढूंढ लिया है, वो हम देखने जाने वाले हैं, वो कल सुबह जाएंगे क्योंकि अभी बहुत गर्मी है। तो आज नहीं जाएंगे, वो प्लान अभी कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि पापा बोल रहे हैं वहाँ ड्रोन उड़ा। तो सारिका तू क्या बोलना चाहती है? वहाँ पे ड्रोन उड़ा, ड्रोन भी जल जाएगा। पापा आपके लिए नया फार्म लेके दे रहे, पता है? ओह माय गॉड, इतनी गर्मी है, पापा वैसे स्विमिंग पूल वाला फार्म लेके दे रहे। तो हमारे लिए एक नया फार्म लेने का सोच रहे हैं, और वो फार्म क्यों ले रहे हैं वो हम ऐसे वीडियो जैसे बनाते जाएंगे ना वैसे बताएंगे। अभी तो नहीं जाएंगे हम, कल सुबह जा रहे हैं, और कल सुबह में उसमें ड्रोन भी उड़ाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि वो फार्म कैसा है। सिर्फ देख रहे हैं, अभी लिया नहीं है, लेंगे तब बताएंगे। और यहाँ पे देखो दुबई फ्रेम बना दिया है, वाह 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 क्या बात है। क्या से लाते हो इतना इतना ज्यादा टैलेंट, कहाँ से लाते हो? घर से दुनिया से बाहर वाह 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 क्या बात है। तो हेजू, क्या जब भी आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो आप क्या करते हो? नीचे खेलने जाते हो। नीचे खेलने से तो डबल ज्यादा गर्मी लगेगी यार, क्योंकि ना गोला खाने के लिए। अच्छा, गोला मिलता है तो गर्मी नहीं होती है, बहुत बढ़िया। हाँ बोलो बिरादर। ए बिरादर, हमारे बिरादर ने सियाड़े में शर्ट नहीं पहना, उनाड़े में शर्ट पहन के घूम रहा है, वो सारी काकी करामत है, बहुत बढ़िया। तो जी 6:10 बाकी है, पापा निकले ना निकले कानू पहले निकल जाता है इन लोगों को रेडी होके देख के। तो आजकल आप जल्दी क्यों जाने लग गए हो? जल्दी कहाँ है, बहुत जल्दी जा रहे हो, 10 मिनट का फासला है, उधर एसी में बैठने को मिलता है, सच बोलो? ऐसा ही है, गर्मी इतना लगता है ना सहन नहीं होता है, पापा जल्दी चले जाते हैं वहाँ जाके। ऐसे तो वाड़ी पे जाता हूँ तो फिर भी सहन होता है, तो यहाँ तो क्या। सही बात है। तो फिर तो पापा यार बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, हॉल में एसी लगवा दो प्लीज। तो मैं तेरे को दोपहर को बोला था ऑफिस में ऊपर जगह है, वो बाबा आदम वाला नहीं चाहिए, अपने को नया चाहिए। देखा थी मम्मी, सहन करता सिखाए, सहन हो रहा है बट ऐसा ऐसा अपने लिए नहीं, मेहमान लोग के लिए, अगर कोई मेहमान है। तो आप क्या बताना चाहते हो? नहीं है, ये बराबर है, ये बराबर है। आप क्यों जा रहे हो जल्दी? मैं एसी में बैठना है। ये सुनने का था मेरे को। सही बात, बता दिया, बराबर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शांति मिल गई, एंजॉय करने का। हाँ एंजॉय करने ही जा रहे हैं। थैंक यू पापा, वेलकम। ये कॉलर वॉलर चढ़ा के एकदम चकाचक सुपर ऐसे। आपका चश्मा कैसा लगा आपने बताया नहीं बाबा, अब तो दो दिन तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। तड़का ना कॉलर वो साथ ही जाए, बस ये सब नहीं सब। ये बात सही है, ये मुझे पापा को मजा आ गया, टी-शर्ट पहना ना तो सड़ी जाए। हां बस ये सब शांति से पड़ी जाए। ये उसका रूमाल है, ये मने खबर जाती थी, ये नहीं खबर ही बराबर है। हारू के जो वो हारू के तो वो फाइन, मम्मी को लेके जाओ पापा ऑफिस। हां ऐसे करो, पापा की चेयर पे मम्मी बैठे तो कैसी फीलिंग आती है। हाँ पापा एक आइडिया देता हूँ, आप मम्मी को लेके जाओ ऑफिस पे। हाँ। और आपकी चेयर पे बिठाओ एसी चालू करके। हाँ। तो कैसा फीलिंग होगा वो फिर पूछेंगे। जाओ मम्मी को ऐसा वकील अने पापा जाओ जाओ खिचड़ी बनाने वाले। क्या आप ऐसा चाहते हो कि पापा और मम्मी ऑफिस पे जाए और असील क्लाइंट, तो मम्मी ऐसे कुर्सी पे बैठ के वकील बनेगी और पापा ऐसे असील बन के आएंगे और फिर वार्तालाप करेंगे, पापा कुछ इंक्वायरी लेके आएंगे और मम्मी फिर सलाह देंगी। वाह मम्मी वाह, ऐसा हो सकता है एक्चुअली। वो सलाह दो वकील ने, तू मम्मी पात्री वर था, कितना शादी को 40 साल हो गया ना, अब तो मम्मी आधा वकील बन गई होगी। 38 हुआ, 38 हो गया, तो 38 ईयर में 38 तो तेरे को कलम आ गई होगी। वकील नहीं बनना, दलील बहुत होती है, दलील बहुत होती है, वकील नहीं बनना चाहिए, दलील बहुत नहीं बनना चाहिए, तो वकील
break you. मालूम नहीं था तभी. One hour later. तो जी सब परिवार पहुंच चुका है ऑफिस पे. मम्मी के वाह मम्मी वाह आइए पधारिए. पापा की सुंदर सुंदर क्लीन क्लीन ऑफिस में हम लोग रेड पढ़ने आए थे. रेड पढ़ने आया था इसलिए ठीक है. वो रेड पड़ गई. आजा आजा ऑफिस फिर से ओ ये देखो यहाँ पे हो आईपीएल चल रहा है. ऑफिस में जमावट देख रहे हो आप. ओहो हो डिस्टर्ब कराए को डिस्टर्ब तो करे नहीं अटले. वाह वाह वाह. हेलो गाइस बहुत बढ़िया मात्रा में वकील साहब पधार चुके हैं ऑफिस पे. सारिका आपको क्या बोलना है? बस अभी वकील साहब से कुछ बातचीत करेंगे. क्या सलाह लेने आए हो? ये देखो छोटे वकील साहब विराजमान हो चुके हैं और ये जो देखो क्लाइंट बन गई है यहाँ पे. वाह वाह वाह. कुछ इस तरीके से हार्दिक और पापा आके ऐसे शांति लेते हैं यहाँ पे. ठीक है मजा आया. बता मजा आया ना. मजा आया ना बाबा. कैसा कहीं भी इवेंट में जाते हो तो आप बोलते हो ना आज बच्चों से छुटकारा मिल गया. घर पे गए धंधे पे जाते हैं ना तो जेंट्स लोगों को अच्छा लगता है. वैसे हार्दिक भाई और पापा का अच्छा है कि यहाँ पे आते शांति लगती है. कोई क्लाइंट बोलते हैं क्लाइंट वगैरह आते हैं उसको हैंडल कर रहे थे. बाद में शांति से बैठते हैं. अभी चश्मा आ गया हाथ में. पूरा का पूरा घर ऑफिस पे आज पहली बार इतने सालों में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है. बच्चा के साथ सब मम्मी कुछ दिखा रही है. ऐसा कौन करता है यार. કેટલા દિલા ભેગા કર્યા છે. હા એક એક ક્લાયન્ટ કો એક એક બાટલો દે. સરસ ચલિયે તો ગાઈઝ યે ચલ રહા હે. અભી બચ્ચે લોગો ને આકે ટેબલ પે જમા દિયા હે અપના અડ્ડા. ઓર યહા પે અભી હોને વાલા યે હે કે મમ્મી વકીલ સાહેબ બને હે. ઓર અભી સવાલ કે બોથરાટી બોલને વાલી હે તો આપ બેને રહીએ એન્ડ તક દેખ કે મજા આને વાલા હે. તો જી યહા પે વકીલ સાહેબ કા લેસન ચલ રહા હે. પહેલે વકીલ સાહેબ ઇધર એલએલબી કી ડિગ્રી લે રહે હે कि कोई दस्तावेज करने आए तो चाहिए क्या. अभी ये लिख रहे हैं और ये लिखने के बाद हमारा केस स्टार्ट होने वाला है. तो आप बने रहिए. मनोरंजन का विभाग स्टार्ट होने की तैयारी में है. कुर्सी की पेटी बांध लीजिए. हंसने के लिए रेडी हो जाइए. पानी पीना है तो पी लीजिए. खाना खाना है तो खा लीजिए. जो भी करना है कर लीजिए. मजा आने वाला है. दरवाजो धीरे से खोलने का. आइए वेलकम वेलकम. ओके साहब. हाँ साहब साहब जी मैडम से मैडम मैम बैठे हैं. पहले ही बोबड़ा गया है. मैम है सीनियर सिटीजन मैम है. अच्छा तो मैम तो पेपर फट रहे हैं. आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए पहले. हमारे यहाँ एक जमीन है उनका दस्तावेज बनाना है. आपका नाम क्या है? हमारे नाम है रामजी भाई. और आपका नाम? तो कैरेक्टर वो घुसी. मेरा नाम हार्दिक ही है. ओके हार्दिक भाई और रामजी भाई आए हैं और यहाँ पे सामने भावना बहन और सारिका बहन वकील साहब बैठे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज का समारोह. यहाँ पे क्या होने वाला है? बोलो क्या काम है? दस्तावेज करना है वर्क को. किसका काम था? मैडम का काम है. बहुत ज्यादा हंस बोल. हंसी पे मत जाओ, काम पे जाओ. हमारा आपका दस्तावेज कभी भी अटकेगा नहीं. खुद आएंगे. जमीन पे खुद आएंगे अगर कुछ भी अटका. ओके चलिए बचा दो. जमीन का दस्तावेज बनाना है. क्या क्या लगे इसमें? आधा ये वकील साहब चीटिंग कर रहे हैं. ऐसा ले उम्र हो गई है ना इसलिए भूल जाती हूँ. वकील साहब अभी से ही भूल लेते. मैं लिख के देती हूँ ना वो प्रॉपर देती हूँ. ओके तो यहाँ पे स्माइल छूट चुकी है. प्रॉपर ही दे दो ना. उम्र के हिसाब से याद रहता है ना. तो आपको भी लिख के दे लाला. इसमें क्या क्या लाना है मैं बोलती हूँ. क्या बोलो है? वो आधार कार्ड लाना है और पैन कार्ड लाना है. पासपोर्ट साइज का फोटो है. हाँ पासपोर्ट साइज का फोटो है. और सिटी की नकल. सूरत आका नहीं नकल जोशी.
सिटी की नकल में आपकी जमीन कितने पोर्शन में आ रही है, पूरा सूरत का नकल दे दो। वो चाहिए पर वो आपको निकाल के देंगे ना, वो तो हमारे को ड्रोन व्यू चाहिए। बोले भैया तो इधर है, आगे बढ़ो। सात बार नकल चाहिए और वेरा बिल चाहिए, वो लेके लेके आना, बाद में हो जाएगा दस्तावेज आपको लाना। आज के लिए इतना ही है। खर्चा कितना होगा? खर्चा तो ज्यादा होना डॉक्यूमेंट होगा, खर्चा तो ज्यादा होगा। जिसकी जमीन है ना ज्यादा, इससे पैसा लेना पड़ेगा। वकील साहब ने क्वेश्चन कुछ नहीं किए, डायरेक्ट खर्चा ज्यादा होगा। जनरल भाव क्या है वो मालूम है? वो तो पूछना पड़ेगा। किसको? वो असिस्टेंट को पूछना पड़ेगा। असिस्टेंट असिस्टेंट बोलो। असिस्टेंट क्या क्या बोले मैम? वो जंत्री का भाव क्या है वो पूछता है। मतलब क्या? मालूम नहीं, हमने वो दस्तावेज कर दिया था। जंत्री मतलब मंत्री। इधर हमारा दस्तावेज नहीं होगा ऐसा लग रहा। होगा होगा, ये कॉमेडी शो में आके ऐसा नहीं लगता। हमारे काम पे जाओ। हाँ आप लोग बहुत ज्यादा हंसते बहुत हो, काम नहीं करते ऐसा लगता है। हमने नई नई जमीन ली, आप थोड़े प्रेस तीसरी जमीन ली, नहीं प्रेशर में होंगे, कोई पैसे छूट नहीं रहे, आ नहीं रहे, तो इसकी वजह से हम थोड़े कॉमेडी करते, तो आप प्रेशर में ना ठंडा वो लाता है ना, इसलिए ज्यादा मगज ठंडा हो गया ना, इसीलिए हंसी आती है। ओ वाह वाह वाह, ये पॉइंट बहुत बढ़िया बोला। कोई बात नहीं, अभी तो सेट हो गया ना मगज। हाँ सेट हो गया। 300 रुपया है जंत्री। अभी कभी आए? 500 तो क्या, 300 कितना बड़ा बंगला है, इसमें कितना बिल आता है वो भरना है आपको? जंत्री में तो ये ना, अरे वो हमारा घर की बात कर रही है, बिल भरना है तो पैसा लेना पड़ेगा। हाँ पर वो जंत्री हम लोग देंगे ना, जंत्री तो गवर्नमेंट को जाएगी, आपके पास तो जाएगी। वो ऐसा मालूम नहीं जंत्री, गवर्नमेंट की तो अलग, हमारे घर की 300 रुपए जंत्री। वो तो ठीक है, आपकी फीस कितनी होगी? फीस तो 5 लाख होगी। 5 लाख का तो दस्तावेज होगा। 1.5 लाख तो था ना बेटा, जंत्री न था। समझ के बता देना, कल फिर आएंगे। कोई बात नहीं, 50,000 वो सा बच्चे को देख के थोड़ा भाव कम कीजिए दस्तावेज का। वो बच्चा तो है ना, इसमें भाग लेने वाला है। वो भाग लेने वाला इसीलिए बच्चे के लिए थोड़ा कम। आपको कितने में परवड़ेगा? आपने दूसरे वकील से सलाह ली है? नहीं ली है, अभी जाना है दूसरे के पास। उसके पास मत जाओ, इधर ही करवाओ। मैं बोलता हूँ, मेरे को अनुभव है, यहाँ पे मैंने करवाया है। अच्छे से हो जाएगा। यहाँ से यहाँ है या ना, यहाँ है या यहाँ पर ही आना है? यहाँ पर ही आना, किसी के पास मत जाना, सब काम हो जाएगा। पूरा वो एकत्रित करके आएंगे, कल आएंगे वापस से, ठीक है? कितने में परवड़ेगा वो तो बता दो। सिटी का नक्शा परवड़ेगा, और सिटी का नक्शा मत भूलना, पूरा सूरत का ही चाहिए। हाँ सूरत का दे देंगे, ठीक है? 50,000 में परवड़ेगा हमको। राम जी भाई बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चा आ गया ना गोदी में, बहुत बढ़िया। कल फिर आएंगे ना? कल आना ही चाहिए। हाँ चौकस आओ, जो चाय पानी कुछ लेंगे? चाय पानी नहीं चाहिए, थैंक यू। चाइनीज वगैरह कुछ? चाइनीज। अभी और दस्तावेज के अलावा आपको कुछ बनवाने का है? दस्तावेज पहले बनवा ले, एक काम तो सौंपे, उसके बाद में नाम ट्रांसफर करवाएंगे। अच्छा लाइट बिल में नाम ट्रांसफर करवाएंगे सब? ओके, आपको वेरा बिल लाइट बिल में नाम ट्रांसफर करने का आता है? हाँ तो सभी आता है। अच्छा क्या लाना पड़ेगा उसमें? क्या लाना है इसमें? सब बिल लाना है, बस सब बिल लाना है, इसमें साइन कर देना है। फॉर्म में वही बिल ये फॉर्म का हम बिल बोलते हैं। अच्छा वाह वाह वाह, क्या बात। जमीन कहाँ पे ली मम्मी? बहुत थोड़ा हाँ थोड़ा तो पूछो, जमीन के बारे में सवाल करो, कस्टमर जा रहे हैं।
ओ जमीन कहाँ पे ली है? ये गलोडी में ली है। ओ गलोडी में तो बहुत महंगी आती है। महंगी आती है, महंगी जमीन लेते हो तो इसमें क्या कम करवाते हो पैसा? कम तो करवाना पड़े ना, करवाते हो वहाँ पे दीदा। वो जमीन वाले पैसे ले गए ना बहुत ज्यादा, तो इसलिए हमारे पास अभी बचे नहीं है। चलिए तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया है अभी। हाँ तो इसी के साथ अभी ये जो समारोह है ना वो कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि हाँ। मम्मी साइन करके जाओ, दस्तावेज हो जाएगा। हाँ साइन कर दो इधर रामजी भाई। हाँ। साइन कर दो। डील डन हो गई है। चलो बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, वाह 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 रामजी भाई, थैंक यू। ओके आपका 50,000 का टोकन चाहिए, अभी लेके जाना पड़ेगा। हाँ, वो तो लाया नहीं है, कोई काम है ना तो भेजना। शाम को चेक भेजवा दूंगा। चेक नहीं, कैश चलता है इधर, चेक इनको पता नहीं चलता है कैसे निकालना। सारी गाड़ी लेने के लिए पैसा रोकड़ा देना पड़ता है। अभी पैसे दो यहाँ से, इसी तरह सारी पुराना के साथ कल पैसा लेके आएंगे। कल लेके आएंगे, कितने बजे आएंगे? कैश लेके आएंगे। सुबह कितने बजे आएंगे? सुबह 10 बजे आएंगे। ना धो के आना, ना धो के आ जाना। जी भाई के मुंह से लगता है कल आएंगे नहीं। आएंगे। सरस आएंगे, कहीं ना आएंगे, जंत्री मंत्री हो गया। तो गाइस क्या लगता है आपको, ये दस्तावेज का समारोह अच्छा रहा कि कैसा रहा? दस्तावेज होगा कि नहीं होगा, और जब होगा तो कैसा होगा? ये बहुत सारा सस्पेंस क्रिएट कर दिया है मम्मी लोग ने। तो मम्मी आपको वकील बन के कैसा लगा? कोई अच्छा नहीं लगा। क्यों? पर लेकिन अब ना इसमें बहुत झंझट होती है, झंझट होती है, मगजमारी होती है, याद रहता नहीं है ना। हाँ, दिमाग उम्र हो गई ना, उम्र हो गई। हाँ पहले सब बहुत करवाया दस्तावेज। हाँ? अभी मैं भूल जाती हूँ। पहले बहुत करवा दिया। तो आपके आपके ये जो क्या, इसको क्या बोलते हैं? असिस्टर। असिस्टर को बोलो ना। असिस्टर। असिस्टर के दो बच्चे हैं ना, उसकी वजह से वो भी थोड़े बहुत भूल जाते हैं। असिस्टर मेरे नीचे, वो सीख जाएगी। बहुत बढ़िया गाइस, मजा आ गया, चाका जाम हो गया। चलिए इसी के साथ अभी ये हमको घर पे जाना पड़ेगा एडिट करने के लिए, क्योंकि पापा लोग क्लाइंट आ रहे हैं और हम भी डिस्टर्ब कर रहे हैं बहुत ज्यादा। मम्मी व्यू एंजॉय करेंगे थोड़ी देर। मम्मी ये व्यू कैसा लगा? बहुत अच्छा, यहाँ तो रात भी बैठा रहे ना तो भी घर याद नहीं आता। हमको इसीलिए याद नहीं आता। तो तुम 10 बजे आया करो घर पे। लेट आओ, हम लोग संभाल लेंगे सब। खा पी के सो जाना, ऐसे टाइम पे आओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारिका जी आपको कैसा लगा ये व्यू? बहुत ही अच्छा। आया तो बैठो रे भाई, ना घर आवे बगड़ा टीज लागे ना। हां क्यों शांति तो कैसा लगा? तो तुम्हारा रोज नहीं हुआ है। ओके चलिए तो इसी के साथ आज का वीडियो इधर ही एंड करते हैं। अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर डालो। मनोरंजन एंजॉय करते रहो और मचाते रहो। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।